बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, इन टुडेज सेशन वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? इट इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिटल्स दैट आर ऑल्सो टर्म्ड एज सब एनर्जी लेवल्स और सब शेल्स और सब स्टेशनरी स्टेट्स। So there are certain rules for determining the electronic configuration of elements. Basically हमने इन rules के according ये study करना है कि electrons किसी atom में या किसी element में सिर्फ एक ही electron होता है, कुछ atoms में जो है वो एक से ज़्यादा electrons भी होते हैं, तो उनकी arrangement क्या है atom में, वो कौन सा electron किस shell के अंदर है, ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए सर्टेन रूल्स हैं। उन रूल्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि उन रूल्स की हेल्प से हम किस तरीके से किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द अवेलेबल ऑर्बिट्स टेक्स प्लेस इन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। नंबर वन इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एफ ओ प्रिंसिपल, n plus l rule, it's n plus l, it's not 1 or I, it's l, small l. Hund's rule. So what is Pauli's exclusion principle? According to this principle, no two electrons in an atom can have all four quantum numbers alike. Pauli's principle ke according, kisi bhi atom ke andar do electrons ke jo charo quantum numbers ki values hain, wo kabhi bhi similar nahi hongi, ek jaisi nahi hongi. क्वांटम नंबर्स को थोड़ा सा रिमाइंड करें अगर, तो क्वांटम नंबर आपके पास जो है वो वैल्यूज थी जो आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताती थी एटम के अंदर। सो बेसिकली हमने फोर टाइप ऑफ क्वांटम नंबर को स्टडी किया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको आप स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसको आप जो है वो स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको आप स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोर्थ वन वॉज स्पिन क्वांटम नंबर जिसको आप स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चार क्वांटम नंबर्स हैं, उनकी चारों की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो कि किसी एक एटम के अंदर मौजूद हो, ये चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज कभी भी सिमिलर नहीं होंगी अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, फॉर एनी टू इलेक्ट्रॉन्स द वैल्यू ऑफ थ्री क्वांटम नंबर्स मे बी आइडेंटिकल, बट द वैल्यू ऑफ इट्स फोर्थ क्वांटम नंबर विल बी डिफरेंट। किसी भी एलिमेंट में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें, फॉर सपोज किसी दो इलेक्ट्रॉन्स को हम स्टडी कर रहे हैं, तो माइट बी पॉसिबल उसकी जो थ्री क्वांटम नंबर की वैल्यूज हैं वो सिमिलर हों, यानी कि प्रिंसिपल, एजीमिथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बट जो फोर्थ वैल्यू है स्पिन क्वांटम नंबर वो हमेशा जो है वो डिफरेंट होगा लाजमी। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज के शेल, जिसके लिए एन या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास वन होती है, वी हैव फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन उस शेल के अंदर मौजूद पहले इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू वन, इस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर वैल्यू की वैल्यू जीरो, बिकॉज एस ऑर्बिटल के अंदर वो मौजूद होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एस ऑर्बिटल के लिए जीरो हो जाएगा और स्पिन पॉजिटिव हाफ है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की। जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अगेन जो शेल है वो वन है, जो एजीमिथल क्वांटम नंबर है यानी कि जो ऑर्बिटल उसका है वो एस ऑर्बिटल है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एस ऑर्बिटल के लिए जीरो हो जाता है और जो स्पिन है वो उसकी नेगेटिव हाफ है। तो एन एल एम ये तीनों सिमिलर हैं, बट द फोर्थ क्वांटम नंबर दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर वो डिफर कर रहा है। तो किसी भी एटम के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही ऑर्बिट के अंदर मौजूद, एक ही ऑर्बिटल के अंदर एक ही वक्त में रिजाइड कर सकते हैं, लेकिन हमेशा जो इनकी स्पिन होगी वो डिफर करेगी। एड्रेस उनका सेम रहेगा बट उनकी जो एक स्पिन है वो ऑब्वियसली डिफर करेगी, अदरवाइज वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर उनकी स्पिन सेम हो, अगर दोनों की पॉजिटिव हाफ है क्लॉकवाइज है, तो वो साथ नहीं रहेंगे, उनके अंदर जो है वो रिपल्जन होगी। अगर दोनों की नेगेटिव हो जाती है तो अगेन रिपल्जन है, सेम स्पिन की वजह से सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी, बट अगर अपोजिट स्पिन है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दोनों की वो डिफर करेगी और वो वहाँ अट्रैक्शन होगी, तो वो एक साथ इस कंडीशन में जो है वो रह सकते हैं। सो सेम वैल्यू फॉर एन, सेम वैल्यू फॉर एल, सेम वैल्यू फॉर एम, बट डिफरेंट वैल्यू फॉर एस। What are applications of Pauli's exclusion principle? इससे हमें क्या क्या मालूम होता है? An orbital cannot have more than two electrons. किसी एक orbital के अंदर दो से ज़्यादा electrons नहीं रह सकते।
द इलेक्ट्रॉन्स विच ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल्स हैव ऑपोजिट स्पिन. जो भी इलेक्ट्रॉन्स सेम ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेंगे हमेशा उनकी जो स्पिन होगी वो ऑपोजिट होगी. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन शेल इज इक्वल टू 2n2. 2n स्क्वायर करके आप जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी आप जो है वो शेल के अंदर. फॉर सपोज n इज इक्वल्स टू 1. फर्स्ट है अगर आपके पास शेल तो 2 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, सो 2 आपके पास आंसर है. तो फर्स्ट शेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं. फॉर सपोज n इज इक्वल्स टू 2, सो 2 n प्लेस कर दें 2 और ये स्क्वायर, सो 2 × 4 इज इक्वल्स टू 8. सो इन द सेकेंड शेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन रिजाइड एंड द थर्ड फोर्थ पॉइंट इज द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ शेल विल हैव मैक्सिमम ऑफ 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली. इसी तरीके से जिस तरह हमने ये तमाम चीज़ें फाइंड आउट करी यूजिंग दिस फार्मूला, तो उससे आप जो है वो डिफरेंट शेल्स के अंदर मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली. सो इट्स 2n2. एफओ प्रिंसिपल. वट इज एफओ प्रिंसिपल? एफओ इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स बिल्ट अप. The Fourier principle gives us a sequence in which various orbitals are filled with electrons. Fourier principle basically आपको ये बताता है कि किस तरीके से किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होना स्टार्ट होते हैं. लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यानी कि सबसे पहले वो उस एनर्जी ऑर्बिटल में फिल होगा जिसकी एनर्जी सबसे लो है, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा वाली में, और फिर उससे ज़्यादा वाली में, एंड सो ऑन. सो ये बिल्डिंग अप बेसिकली एनर्जी का बिल्डअप बता रहे हैं कि एनर्जी बढ़ती जाती है और इलेक्ट्रॉन उसके अकॉर्डिंगली फिलअप होंगे. तो ये वो सीक्वेंस है कि सबसे लो एनर्जी आपके पास 1s ऑर्बिटल की होती है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाते हैं, फिर 1s के बाद 2s की एनर्जी जो है वो सबसे लो होती है, फिर इलेक्ट्रॉन 2s में जाते हैं अगर 2s में भी स्पेस ना बचे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2b में जाएगा, फिर 3s में, फिर 3b, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4b, फिर 5s एंड सो ऑन. तो ये आपके पास वो ऑर्डर है, एनर्जी ऑर्डर है ऑर्बिटल्स का, कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो सबसे लो है, और उससे ज़्यादा फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो सारे ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी तमाम ऑर्बिटल्स जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं. तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उसमें फिल होगा सबसे पहले जिसकी एनर्जी सबसे लो है, कि वह स्टेबल स्टेट करने की कंसीडर की जाती है, क्योंकि उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से करीब होता है और अट्रैक्शन ज़्यादा होती है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान. तो वो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा न्यूक्लियस के करीब रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है शेल की और सब शेल्स की. सो स्टेटमेंट क्या है? द ऑर्बिटल्स ऑफ मिनिमम एनर्जी आर फिल्ड अप फर्स्ट विद इलेक्ट्रॉन्स एंड देन एंड ओनली देन द ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी आर फिल्ड. यहाँ पर बेसिकली वो स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि जब तक लो एनर्जी ऑर्बिटल मौजूद होता है इलेक्ट्रॉन कभी भी हाई एनर्जी ऑर्बिटल को प्रेफर नहीं करेगा, वो हमेशा उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी लो है. अच्छा, तो रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ये यहाँ पे तमाम ऑर्बिटल्स लिखे हुए हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. 1s की एनर्जी सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा 2s की, फिर 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की एंड सो ऑन. यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस सीक्वेंस, यू कैन ईजिली फाइंड आउट बाय फॉर्मूला. ये आप इस तरह से इसको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. 1 to 7 आपने लिखना है काउंटिंग, फिर आपने सबके साथ जो है वो ऐसे लिख देना है, फिर 2 से आपने p स्टार्ट करना है और आपने नीचे 7 तक लिख देना है, फिर 3 से आपने d स्टार्ट करना है और फिर नीचे तक लिख देना. आप चाहें तो 7 तक ला सकते हैं, बट 1, 2, 3, 4 तक जो है वो ये इनफ है. फिर उसके बाद आपने जो है वो F को लिखना है. F के लिए भी आप 4 से स्टार्ट करेंगे और फिर 5 तक इनफ है. उसके बाद आप एरोज लगाना शुरू करेंगे. जो एरो पहले जिस ऑर्बिटल को कट करेगा इलेक्ट्रॉन हमेशा उसमें फिल होगा. जिस ऑर्बिटल को एरो पहले कट कर रहा है इट मीन्स उसकी एनर्जी लो है. तो 1s, फिर 2s, फिर आपने यहाँ से एरो शुरू करा तो 2s 2p को पहले कट कर रहा है, फिर 3s को, इट मीन्स कि एनर्जी 2p की कम है और इलेक्ट्रॉन पहले इसमें फिल होगा फिर उसके बाद 3s में जाएगा. नेक्स्ट इज n प्लस l रूल.
In building up the electronic configuration of the elements, the orbital with the lowest energy n plus l fills first. अच्छा यहाँ पर बेसिकली n plus l rule आपको ये बताता है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना शुरू करते हैं तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाते हैं जिसका n plus l सम जो है वो सबसे लो हो, मतलब उसके लिए आप n plus l की वैल्यू जब फाइंड आउट करें तो जो वैल्यू जिसकी सबसे लो आएगी इलेक्ट्रॉन हमेशा उसमें फिल होगा. एक और भी यहाँ पर चीज़ है, व्हेन द टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ n plus l द ऑर्बिटल विद द लोअर वैल्यू ऑफ n फिल्स फर्स्ट. अच्छा फॉर सपोज आपने दो किसी ऑर्बिटल के लिए n plus l सम फाइंड आउट करा और दोनों का n plus l सम जो है वो सिमिलर आ गया, तो अब किस में इलेक्ट्रॉन को पहले भेजें, तो इस कंडीशन में आप उस इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पहले भेजेंगे जिसकी n की वैल्यू जो है वो स्मॉलर हो. ओके एग्जांपल देखते हैं. सो विच ऑर्बिटल 3d और 4s विल फिल फर्स्ट. फर्स्टली जो है वो आपके पास 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा या 4s में, ये फाइंड आउट करना है. फॉर सपोज तो हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन फाइंड इट वाया कैलकुलेटिंग द n प्लस l वैल्यू. द वैल्यूज फॉर 3d सब ऑर्बिटल और सब शेल इज n, इसके लिए 3 है ये जो कोफिशेंट लिखा हुआ है ऑर्बिटल के साथ, ये जो है वो आपके पास n की वैल्यू होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा हुआ होता है ये, तो वो आपके पास n 3 हो गया. l d ऑर्बिटल के लिए हमें मालूम है अंडरस्टूड है वो 2 होता है. l की वैल्यू हर ऑर्बिटल के लिए फिक्स्ड है, s के लिए 0, p के लिए 1, l के लिए 2 एंड 3 के लिए सॉरी f के लिए 3 है. तो यहाँ क्योंकि शेल जो है वो d है, सब शेल d है, तो इसलिए 2 जो है वो l जो है वो हमने 2 लिखा है. सो एन प्लस एल कितना हो जाएगा इसका, 3 + 2 इज इक्वल टू 5 एंड इन केस ऑफ 4s तो यहाँ पर n आपके पास जो है वो 4 है और s ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू हमने 0 लिखी है, तो 4 + 0 इज इक्वल टू 4. सो n प्लस एल सम जो है वो आपके पास 4s ऑर्बिटल का जो है वो कंपैरेटिवली कम है जब हम 3d को देख रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट फिल इन टू 4s ऑर्बिटल एंड देन टू 3d, तो ये यहाँ पर यही बात लिखी हुई है. एग्जाम्पल नंबर 2, जेड इज इक्वल्स 21, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, तो कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 21 है. इट्स इलेक्ट्रॉन्स विल एंटर इनटू 3d और 4p ऑर्बिटल. अच्छा अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 21 है तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में जाएंगे या 4p में, तो वो देख लेते हैं. फॉर 3d जो सबशेल है वो आपके पास, फॉर 3d सबशेल n जो है वो 3 है और l d की वजह से यहाँ 2 लिखा है, तो n प्लस l इसका 5 आ गया. नेक्स्ट आपके पास 4p है, 4 जो है वो n है इसका और l जो है वो p के लिए 1 होता है, सो n प्लस l इसका जो है वो 5 आ गया. दोनों का जो n प्लस l सम है वो इक्वल है यानी कि 5 है. तो अब इस कंडीशन में हमने आपको क्या बताया कि वैन एवर द सम ऑफ n प्लस l इज सिमिलर फॉर 2 और मोर ऑर्बिटल्स देन इलेक्ट्रॉन विल गो इन टू द ऑर्बिटल विच हैव द लोएस्ट नंबर ऑफ n. तो n का यहाँ पर n जो है वो स्मॉलर d के साथ है और p के साथ 4 है, d के साथ 3 है, p के साथ 4 है, तो इट मीन्स के d का जो n है वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू p. सो इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट फिल इन टू 3d एंड देन 4p. In both the cases, the value of n plus is same. Hence, electron will fill into the level with which has lower energy, a lower value of n, that is 3. This rule says, when similar orbitals are available, the electron will reside separately rather than paired form. Hund's rule ke according, jo hai, electrons hamesha, agar same energy orbitals maujood hain, yani ki same energy levels maujood. अगर एक से ज़्यादा दो या तीन ऑर्बिटल्स की या लेवल्स की एनर्जी सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेपरेटली अलोन रिजाइड करना, उनमें उनको ऑक्यूपाई करना पसंद करते हैं, वो पेयर फॉर्म करना पसंद नहीं करते. सो अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, If two or more than two orbitals having similar energy are available, then electrons will arrange themselves in the following manner. वो किस तरह से अपने आप को अरेंज करेंगे, 1s, ऑब्वियसली 1s के साथ जो है वो यहाँ कोई और लेवल सेम मौजूद नहीं है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स पहले इसमें फिल करेंगे, 2s में नहीं जाएंगे. पहले 1s में जाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फिर सेकेंड भी 1s में जाएगा. और अगर आप देखें तो यहाँ स्पिन अपोजिट है, तो अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसके जो तीन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू सेम है, बट स्पिन यानी कि फोर्थ क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट है, एक लिए पॉजिटिव हाफ है, एक लिए नेगेटिव हाफ है.
सो इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s में पहला जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन 2s में नहीं जाएगा क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो हाई है एज कम्पेयर टू 1s, और 1s में भी स्पेस मौजूद है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा। अब जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 2s में जाएगा, और 2s के बाद अब एक और इलेक्ट्रॉन फॉर सपोज है तो वो फिर अगेन 2s में जाएगा इंस्टेड ऑफ 2p। फिर उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन है तो अब वो 2p में जाएगा। अब 2p के अंदर तीन मतलब रूम्स अगेन मौजूद हैं। एस में आपके पास सिंगल रूम होते हैं क्योंकि वो इसका एक ही स्फेरिकल ओरिजिन शेप होता है, कोई लोब्स नहीं होते। बट पी ऑर्बिटल में जो है वो आपके पास तीन एक्सिस के ऊपर वो डिवाइडेड होता है, एक्स वाई एंड जी एक्सिस, तो वहाँ तीन अलग अलग जो है वो लोब्स उसके होते हैं या ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 2p के अंदर ये जाएगा पहला, और फिर दूसरा जो है वो 2p के अंदर मुझे दूसरे रूम में जाएगा इंस्टेड ऑफ गोइंग इन टू सेम रूम। सो इस तरीके से यहाँ पर ये अरेंजमेंट होगी। अगर हम उन के अकॉर्डिंग देखें तो ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है फोर इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें आया, फिर दूसरा इस रूम में, फिर तीसरा इस रूम में, फिर जो फोर्थ बच्चा वो उसने फिर शेयरिंग करी रूम की और उसने जो है वो पेयर फॉर्म किया, जबकि यहाँ पर एक रूम पहले से अवेलेबल था लेकिन जो इन्होंने पेयर कर लिया, तो अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल ये जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें भी अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल जो फिलिंग है वो इस तरह होगी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन अपने आप को अरेंज कर लेंगे, ना कि इस तरह। ऑक्सीजन के केस में भी सिंगल अरेंजमेंट ये करेक्ट है, ये जो है वो रॉन्ग। यहाँ पर तमाम 10 एलिमेंट्स की जो आपके फर्स्ट पीरियड में होते हैं और सेकंड पीरियड में, उनकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखी हुई अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल, यू कैन चेक। ओके, क्वेश्चन है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ द फॉलोइंग। मैग्नीशियम प्लस टू, मतलब मैग्नीशियम आयन फॉर्म किया हुआ है, मतलब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वक्त डेफिशिएंसी है, इसने दो इलेक्ट्रॉन अपने लूज किए हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 12 है, यानी कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो एक न्यूट्रल एटम में हमेशा इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट क्योंकि अब ये न्यूट्रल नहीं है, इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास अब 10 होंगे, ना कि 12। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी किस तरह से हम करेंगे, यहाँ अगर आप देखें तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है सबसे बाहर वाला, इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है ये लूज कर चुका है और इस पर प्लस टू चार्ज अपेयर हो गया है। यहाँ पर भी यही दिखाया हुआ कि प्लस टू आइन किस तरह बन रहा है मैग्नीशियम का, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो है वो कोई डिफरेंस नहीं आता आइन की फॉर्मेशन पर, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन 12 थे मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम प्लस टू का मतलब है इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वान्टिटी है वो 10 है। ओके, मैग्नीशियम एटम जो है वो जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं सिंपल, जब इसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज ना किया हो, जब ये न्यूट्रल होता है तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 होती है, यानी कि एनर्जी के जो सीक्वेंस हमने अकॉर्डिंग टू वेबर प्रिंसिपल देखा था उस सीक्वेंस में हमने इसको फिलिंग की है। मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर एस ऑर्बिटल इज 2, फॉर पी ऑर्बिटल इज 6, फॉर डी ऑर्बिटल इज 10 और फॉर एफ ऑर्बिटल इज 14, तो ये हमने क्वांटम नंबर में स्टडी कर लिया था। सो उसी सीक्वेंस में ये फिल हुए कि जब तक 6p में स्पेस अवेलेबल था इलेक्ट्रॉन उसी में गए, देन वो 3s में मूव हुए। प्लस टू का मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो जो s वाले हैं वो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो चुके हैं, तो यहाँ से वो नहीं है, 6, 2 एंड 2, ये 10 बच गए हैं। अगेन ये वही कॉन्फिगरेशन मैग्नीशियम की यहाँ लिखी हुई है। सोडियम 11, तो सोडियम 11 के लिए 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, तो ये टोटल जो है वो जो पावर की तरह लिखे हुए हैं ये आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कैल्शियम 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2, यहाँ पे ऑर्डर भी बना हुआ है कि किस तरह से फिलिंग हुई है। Cl नेगेटिव, क्लोरीन -1 आयन। अब ये जो क्लोरीन है इसका ये एन आयन मौजूद है, यानी कि इसका नेगेटिव आयन है। नेगेटिव आयन का मतलब है कि ये ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव आयन्स फॉर्म होते हैं। तो 17 जो है वो उसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है जब ये प्रोटॉन है। जब ये न्यूट्रल स्टेट में होगा तो इसके पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, बट अब क्योंकि ये आयन फॉर्म कर चुका है, एन आयन फॉर्म करा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा हुआ, तो अब इसके पास 17 नहीं बल्कि 18 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इस वक्त। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है अगर हम सी एल की देखें नॉर्मल, जब ये न्यूट्रल है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5 होती है, बट अब क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन करा हुआ है, इसका नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है, तो अब ये 3p5 नहीं बल्कि 3p6 होगी। लाइक दिस, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो ये रेड से यहाँ बना हुआ है। सो जो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो ये लिखी हुई फॉर सी एल नेगेटिव। स्कैंडियम 21,
स्कैंडियम जो है वो आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट का एक मेटल है। यहाँ पर जो है डी ब्लॉक की जब हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो देर आर सम एक्सेप्शंस। तो अगर हम स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये वही एल्बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, 3 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है देन 3d में जाता है, तो 20 तक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3p में आ गए। इसके बाद सॉरी यहाँ पर 20 तक जो है वो 4s में आएंगे, उसके बाद जो है वो आपके पास जो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा क्योंकि 21 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो डी में जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्रोमियम और कॉपर के केस में एक एक्सेप्शन है, डी ऑर्बिटल जो है वो ये तमाम ऑर्बिटल्स को अगर हम देखें तो वो दो कंडीशन ज़्यादा स्टेबल होते हैं, या तो हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो। हाफ फिल्ड मतलब फॉर सपोज एस की टोटल कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो हाफ फिल्ड का मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो भी वो स्टेबल है, अगर दो होगा तो वो बहुत स्टेबल है। सिमिलरली पी ऑर्बिटल की 6 की अगर 3 होंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। डी की कैपेसिटी 10 है लेकिन अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी तरह एफ की 14 है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कॉपर और क्रोमियम के केस में हमने ये चीज़ जो है वो कुछ देखनी है। सो क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d 4 और 4s 2 बन रही है। तो जो आपके पास एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है, अगर हम उसको एफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करें तो हम इस तरह से फिलिंग करेंगे कि पहले इसमें इलेक्ट्रॉन्स को भेजेंगे क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है, देन हम डी में भेजेंगे जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो ये 3d है, ये ऑलमोस्ट हाफ फिल्ड कंडीशन के करीब है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन 4s का जंप होकर 3d में आता है तो ये भी हाफ फिल्ड हो जाता है, s और d दोनों। तो ये वो ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन या एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि 3d 5 4s 1 फॉर क्रोमियम। इसी तरीके से कॉपर 29 में भी जो है वो d में 9 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके s से d में आता है तो ये फुल फिल्ड हो जाता है, और ये हाफ फिल्ड तो ये इस तरह से स्टेबल एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व या एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन देखिए। यहाँ भी यही है, ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। यहाँ पे वही आपको शिफ्टिंग दिखाई हुई है फॉर बोथ क्रोमियम एंड कॉपर। ये अगर कॉपर +1 है और +2 है, अगर कॉपर में से इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले 4s में से लूज होगा देन जो है वो d में से लूज होता है। ये आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो फर्स्ट आपके पास सीरीज है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको तमाम एलिमेंट्स की देखनी है तो ये आपको एक लिंक यहाँ दिया हुआ है, विकिपीडिया पर आपको जाकर तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल सकती है। एटॉमिक रेडियस, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? इट इज़ बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड टू द पॉइंट अप टू विच द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम इज एक्सटेंडेड इज नोन एज एटॉमिक रेडियस, या फिर द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूक्लियर इज नोन एज एटॉमिक। बेसिकली जो न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है वो जो है वो आपके पास रेडियस कहलाता है, एटॉमिक रेडियस। होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? होमो मीन्स सेम, न्यूक्लियर इज फॉर न्यूक्लियस एंड डायटॉमिक मीन्स डाई मीन्स टू एटम, और मॉलिक्यूल आपको पता है मोर टू और मोर एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो ये जो है वो आपके पास दो एटम्स हैं जिनके दरमियान में बॉन्डिंग हुई है और ये इनका रेडियस है। हेट्रोन्यूक्लियर, हेट्रो इज फॉर डिफरेंट, दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में जब मॉलिक्यूल फॉर्म होगा तो क्या होगा, तो वो इस तरह से ये रेडिएशन का इस तरह आर ए और आर बी हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। आयनिक रेडियस क्या होता है? जब आयन की फॉर्मेशन होता है उसके बाद जो रेडियस है वो क्या है, तो वो आयनिक रेडियस कहलाता है। तो न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैटायन फॉर्म करता है, गेन इलेक्ट्रॉन करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज एनायन फॉर्म करता है। जो साइज होता है कैटायन का वो पेरेंट एटम से जो है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है, और जो एनायन का होता है वो लार्जर होता है। ऐसा क्यों होता है? फॉर्मेशन ऑफ आयन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट आयन जो है वो फॉर्म होते हैं। अच्छा, साइज के ऊपर क्या इफेक्ट है? मैंने आपको बताया कि जो पॉजिटिव आयन बनता है उसका साइज हमेशा छोटा होता है, और जो नेगेटिव आयन होता है उसका साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द एटम फ्रॉम विच दे आर। सो स्मॉलर साइज क्यों है कैटायन का? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है जिसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाते हैं, और जो न्यूक्लियस की इफेक्टिव फोर्स है यानी कि जो फोर्स जिस फोर्स से वो न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पर, जिसकी वजह से साइज एटम का श्रिंक हो जाता है। ओके, ये अगर आप देखें सोडियम है और इसका आयन है एनायन लार्जर इन साइज है, उसका रीजन क्या है? एनायन इज फॉर्म व्हेन टू एटम्स गेन व्हेन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, तो दस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पेरेंट एटम एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑल्सो, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आपका एनायन का वो डिक्रीज हो जाता है। ड्यू टू डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन द साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द पेरेंट एटम।
यहाँ पे कंपैरिजन के लिए आपको क्लोरीन दिया हुआ, उसका न्यूट्रल एटम और उसका एन आयन। यहाँ अगेन सोडियम और फ्लोरीन के जो है वो एटम्स के कैटाइन एंड एनायन दिए हुए रेस्पेक्टिवली। और यहाँ ये आपको डिफरेंट एटम्स के आयन्स और उनके न्यूट्रल एटम्स की कंपैरिजन दिया हुआ है। थैंक यू।